दोस्तों मैं राम शंकर तिवारी एनएसजी कमांडो फिर पुनः नए सेशन में आप सारे लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नए सेशन का जो मेरा टॉपिक है कि एनएसजी में क्या पहुंचने के बाद सारे लोग कमांडो बन ही जाते हैं और एनएसजी का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना हार्ड वर्क वहां से क्यों कराया जाता है, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, एक एक करके आपको वीडियो में लगातार मिलते जाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है एनएसजी, एनएसजी का गठन क्यों हुआ। 31 अक्टूबर सन 1984 को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ और उनके सुरक्षा गार्ड के द्वारा, तो इस बिंदु पर पहलू पर जो है विचार किया गया। 1986 में फिर एनएसजी का गठन किया गया और एनएसजी की संस्था का जो निर्माण किया गया ये गुड़गांव मानेसर में पड़ता है। ये लगभग 60 किलोमीटर के एरिया होता है एनएसजी का और वहाँ पर हजारों के तादाद में कमांडो लगातार रिफ्रेशर करते रहते हैं। उनका वर्क ही है, उनकी ड्यूटी भी यही है कि केवल उन्हें ट्रेनिंग करना, लगातार अपने को प्रैक्टिस पे डालना, लगातार अपने को और अप्रूव्ड करना और अप्रूव्ड करना, यही उनका वर्क है। और मैंने देखा कि वहाँ पर ये हमारा जो एनर्जी सेंटर स्थापित है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी मिशन को सफल करने के लिए जैसे ही ये सूचना मिले चंद समय में पर्सनल जेट विमान से हमारे कमांडोज सही जगह पर पहुंच करके उस घटना को रोकने से ऐसा बेहतर प्रदर्शन करके सफल बना सके, इसलिए बहुत कम जगहों पर तुरंत शॉर्ट नोटिस में मैंने देखा गाड़ियां एनएसजी की कमांडो की लगातार लगी रहती हैं। सीटी बजते ही केवल एक सेकंड के मौके में गाड़ियां मूव कर जाती, जो समय एयरपोर्ट तक पहुंचते तक लगे स्पेशल फ्लाइट वहां पर लगी होती है जो तुरंत कमांडो को शॉर्ट नोटिस पर शॉर्ट समय में पहुंचाती है। तो दोस्त रही बात एनएसजी, जो एनएसजी के गेट में मैं प्रवेश किया, एंट्री किया, तो वहाँ का माहौल मैंने देखा कि खुला खुला माहौल, काफ़ी बड़ा एरिया, उसमें पहाड़ी एरिया भी मिलेगी, नदी का एरिया भी मिलेगा, जंगल भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। फिर हम लोगों को वहाँ पर देखा कि करीबन 200 राज्य से पुलिस आई हुई है कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए। पांडेचेरी भी देखा, राजस्थान भी देखा, MP भी देखा, बिहार भी देखा, ऐसे कई स्टेटों को मैंने देखा और उन लोगों की भाषाएं तो हम लोगों से तालमेल ही नहीं मिल पा रही थी। क्या बातचीत हम लोग कर रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे थे। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग समझते थे। अलग अलग जगहों पर हम लोगों का निवास स्थान बैरिक अलाट हुई, हर लोगों का जो है ग्रुप लीडर निश्चित हुआ, हमारा JCO कौन होगा, हमारा इंचार्ज कौन होगा, हमारा टोली इंचार्ज कौन होगा, हमारा इंस्ट्रक्टर कौन होगा, सारी चीज़ें एकदम निश्चित हुई। निश्चित होने के बाद जीरो परेड कराया गया कि हॉस्पिटल किधर है, ऑफिस लाइन किधर है, घरैया लाइन किधर है, फैमिली लाइन किधर है, सारी चीज़ों से अवगत कराया, किस एरिया में हम जो ऐसा जोन है कि जहाँ पर हमारे जाने अलाउ नहीं है, वो सारी चीज़ों से अवगत कराया गया, जिससे एनएसजी में ट्रेनिंग के दौरान कोई चूक ना हो सके। ये ट्रेनिंग 12 वीक 84 दिन का लगभग 3 महीने का होता है और 3 महीने में बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेनिंग होती है दोस्त। और इसमें जब मैंने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया तो लगातार कि शुरुआत के 3-4 दिन इतनी मेहनत, जबकि हम लोग पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन जितनी भी तैयारी करके आए थे उससे 10 गुना अप्रूव करके सारी यहाँ पर हम लोगों को जो है तैयारियाँ कराई जानी शुरू हुई, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें फिर हमको महसूस हुई। इतना दौड़ा जाता है 20-25 किलोमीटर कि बैठने उठने में बड़ी दिक्कतें होती थी और जरी सी एक गलती पर इतना सामूहिक पनिशमेंट मिलता था कि हम लोग अगर कोई भी गलती करें, कोई भी आपस में हो, हम लोग तुरंत समझा कर सुलह करके आपस में एक हो जाते हैं कि कहीं बाई चांस अगर इंस्ट्रक्टर के पास पहुंची तो समझ जाइए सबकी खैर नहीं। रात के 12 बजे रात में बक्सा सर पर रख करके इतनी जो है वो की गई काउंसलिंग हम लोगों को, सर मेढक चाल, कौन कौन सी चाल, रोड पर खाना खाकर उल्टी हो जाती थी, ये सब अनुशासन कायम करने के लिए होता था कि एनएसजी में एक भी चीज बर्दाश्त नहीं होगी। अगर एनएसजी का कमांडो एक गर्व का होता है, एक फख्र का कारण होता है, एक देश का आन होता है, देश का शान होता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर हम सही रूप में नहीं निर्वाह करते हैं, एक चूक करते हैं तो हम लोग बहुत ही जबर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से एक एक आप व्यू में देखेंगे हमारे एक एक की
क्या क्या चीजें होती थी। जब हम कमांडो में जंगल ट्रेनिंग में हम लोग जाते थे, अलग अलग स्टेटों की टोलियां जाती थी, हम लोगों को कंपास मिलता था दिशा का ज्ञान करने के लिए, सारे वेपन मिलते थे पिट्ठू पे, सारे वेपन, ड्राई फूड, राशन, पानी, क्योंकि कहीं पर कोई चीज़ 60 किलोमीटर के एरिया में मिलने वाली नहीं है। और अगर हम जरा भी चूक करें तो दिशा भ्रम हो जाए तो उसको खोजना मुश्किल हो जाए, हो सकता है हम लोगों को हेलीकॉप्टर से खोजना पड़े। तो इसलिए वो टुकड़ों में और उनको लोगों को एकदम चिन्हित वर्क दिया जाता था कि किस जगह पर कहाँ पर कौन सा पेड़, कौन सा मंदिर है, किस एंगल पर हम जाएंगे कंपास से, और उसको कोई हमको देख ना पाए। हम लोग कंबल में ढक करके, टॉर्च जला करके, मोबाइल टॉर्च जला करके, फिर जा करके डिग्री देखते थे किस डिग्री पर चलना है, उस डिग्री पर फिर निकल के अंधेरे में चल जाते थे। बीच बीच में एनएसजी के तमाम इंस्ट्रक्टर लगे होते थे हम लोगों को वाच करने के लिए, पकड़ने के लिए। अगर वो मेरी लोकेशन को देख लिए, ट्रस्ट कर गए और पकड़ लिए तो हमारा मिशन फेल। हम उस दिन के एग्जाम में समझिए फेल हो गए। तो एक एक करके भी एक चीज हमने बताया, जंगल ट्रेनिंग, और सारे जितने भी स्टेट के सारे फोर्स के जितने भी लोग आए थे, सारे लोगों का आम नेशन एक जगह डंप कर दिया गया। और एक पर्सन पे अंदाजा लगाइए कि लगभग 3000 से ज्यादा राउंड आपको मिलता था केवल प्रैक्टिस करने के लिए। और रही बात जब टारगेट, जब रही बात टारगेट, कईबन 80 टारगेट थे ऐसे जो लगातार फायरिंग पर्डे होते थे, 80 फायरिंग बेड उस जमाने में थे कि जहां निरंतर फायरिंग होती थी, चलता फिरता टारगेट, लुकता फिरता टारगेट, बीआईपी को जैसे कोई ट्रिकनेप किया है तो जरा सा अगर उसका हिस्सा दिख रहा है आतंकवादी का, उतने ही हिस्से में कैसे गोली हम हिट करें, 4 इंच में 3 इंच में ही कैसे हिट करें, यह बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस होती थी। कि आया कोई दिखा गायब हो गया, इस तरीके से नाइट फायरिंग रात में कैसे अगर हमारे वेपन में रुकावट आ जाए तो कैसे उसको खोल सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, आंख में पट्टी बांध कर करके AK-47 कार्बाइन मशीन गन, पिस्टल, एहसास, SLR, सारे वेपन को आंख में पट्टी बांध करके खोलना जोड़ना सिखाया जाता था कि बाई चांस अगर मेरी आंख में बालू भी रेत भी कोई अगर झोंक दे, उसके बाद भी मैं आंख में बंद किए हुए भी दुश्मन का सफाया कर दूं, इतने कठिन। तो एक एक आपको एक ऑप्टिकल के बारे में अभी हम इस तरह सब व्यू दिखाते हुए अगर आपको ऐसे एनालाइज करेंगे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कमांडो वाकई में कमांडो होता है, आम घास कमांडो नहीं बनते हैं। कमांडो बनने के लिए एक जज्बा चाहिए, जिगरी चाहिए, वही बनता है। और जाने के बाद भी सैकड़ों लोग वापस हो जाते हैं जो उस कमांडो को सही रूप में नहीं कर पाते हैं। फिर भी हम लोग करीबन 250 लोग कमांडो ट्रेनिंग के लिए गए थे अदर सारे स्टेटों से मिला करके, उसमें जगह मेरे सर्टिफिकेट पे अगर आप देखा जाएगा 172 लोग ही केवल पास होकर के मार्कशीट लेकर के सर्टिफिकेट लेकर के एनएससी से निकले हैं, और बाकी लोग वापस हो गए किसी के, क्योंकि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। एक एक आर्टिकल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा इतनी खतरनाक ट्रेनिंग हो, हर मोड़ पर इंजरी, हर मोड़ पर घायल, हर मोड़ पर क्या हो जाए कोई इसकी कोई भरोसा नहीं। तो दोस्त इसलिए लगातार आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं केवल बनावटी किसी की कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं केवल अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो मेरे साथ बीता, जो जो मेरे साथ घटनाएं हुई, जो चीज मैंने देखा वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू, विच यू ऑल द बेस्ट।